डॉन माची सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के शुरुआत में हमें दिखाए थे हमारी गॉडेस एक चीज को देखकर बहुत परेशान थी और वो असल में हमारे मेन कैरेक्टर बेल का स्टेटस चेक कर रही थी और उसकी टाइम बुक कहने लगती है। क्या यह मुमकिन हो सकता है एक ही दिन के अंदर इतने ज्यादा एक्सपीरियंस कैसे, और वो कहती है शायद से हमारे मेन कैरेक्टर बेल के पास एक रेयर स्किल है जो स्किल उसकी भावनाओं के साथ ही बढ़ता है। जब तक उसकी भावनाएं उसके साथ रहेंगी तब तक ये स्किल एक्टिव रहेगा, और वो हमारे बेल को मारने लगती है और कहती है पागल कहेंगे। और वो अपने मन में सोचती है क्या बेल को इस बारे में बताना सही रहेगा, असल में सारे जो भगवान हैं मतलब सारे जो गॉड और गॉडेस हैं वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे और शायद से बेल मुश्किल में पड़ सकता है। और वो बेल को पूछने लगते हैं क्या मैं तुम्हें आज के स्टेटस के बारे में बताऊं, और बेल कहते हैं हाँ। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं बेल चिल्लाते हुए कहते हैं गॉडेस कहे सच्चे एक दिन के अंदर मुझे इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका है। और तभी हमारी गॉडेस कहने लगती हाँ तुमने सही कहा, असल में तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है और तुम उस टैलेंट को अच्छे से यूज़ करना। और तभी हमारा बेल कहता है हाँ मैं इसको अच्छे से यूज करूँगा। और तभी गॉडेस कहने लगती है और हाँ मुझे कभी अकेला मत छोड़ के जाना, और उसके साथ ही तुम कभी ऐसा मत करना, असल में मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम मुझे अकेला छोड़ के मुझे ना बताए लड़ने को चले आते हो। और तभी बेल कहता है गॉडेस प्लीज माफ़ कर देना मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और तभी गॉडेस खड़े होकर कहती है तो ठीक है मैं आज से 3 या 4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ मुझे कुछ काम है, सो ठीक है तू अपना ध्यान रखना और खाना टाइम से खाना। और उसके साथ ही हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बेल रेस्टोरेंट के ओनर को माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना कल मैं बिना कुछ बताए आपको पैसे ना दिए वहाँ से भागते हुए चला गया था। और वो कहता है ये लो आपके पैसे और मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और तभी होटल की ओनर कहती है तुम यहाँ पर चले आए नहीं तो मैं तुम्हारे वहाँ पर पैसे लेने चली आती। और हमें अगली सीन में दिखाए थे फिर से ये बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बेल कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। और हमें अगली सीन में दिखाए थे वहीं पर ही उसके पास हमारा फ्लोरा आती है और कहने लगते कोई बात नहीं। और तभी वो कहती है मुझे खुशी हुई आप यहाँ पर पैसे देने फिर से लौट आए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेल कहते तो ठीक है मुझे टाइम हो रहा है मुझे अभी जाना भी है। और तभी फ्लोरा कहती है ये लो आपके लिए लंच बॉक्स आप अभी काम पे जा रहे हो। और तभी बेल कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तभी फ्लोरा कहती है ले लो मैंने आपके लिए इसको बनाया है। और तभी वो उसको लंच बॉक्स देते हुए वहाँ चली आती है। और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है होटल की जो ओनर होती है वो कहने लगती है तुम शुक्र बनाओ तुम फ्लोरा के दोस्त हो नहीं तो यहाँ के जो लोग हैं वो गुस्से वाले हैं। फ्लोरा ने कहा था तुम आओगे और पैसे दे के जाओगे इसलिए हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और वो कहने लगती है तो मुझे पता है तुम एक एडवेंचर हो और तुम बहुत सारी चीज़ों से डरते हो लेकिन तुम अपने ऊपर काबू रखो। और वो कहती है तो ठीक है जाओ और अपना काम अच्छे से करना। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर बेल भागते हुए अपने काम पे चला आता है। और हमें दूसरे सीन में बताया जाता है लॉर्ड गणेश का टेम्पल, उसके अंदर हमारे लॉर्ड गणेश जो थे वो असल में एक पार्टी आयोजन कर रहे थे सभी मेंबर्स के लिए सभी गॉडेस के लिए, वहाँ पर सभी गॉड और गॉडेस पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। और उस टाइम भी हमें दिखाते हैं एक गॉडेस सीढ़ियों से नीचे उतर के आती है और इनका नाम है फ्रेया और ये असल में सुंदरता की देवी होती है और उसके साथ ही इनके बहुत सारे पैसे भी हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो एक जगह पर आती है और कहने लगती है सो हेस्टिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हेस्टिया कहती है ओ फ्रेया तुम यहाँ पर। और तभी फ्रेया कहने लगती है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी हेस्टिया भी कहती है हाँ मुझे भी। और उस टाइम पे उसके पीछे से और एक गॉडेस चली आती है जिसका नाम होता है लोकी। और हमें अगले सीन में दिखाए थे वो लोकी की जो गॉड होती है वो हमारे हिस्टिया को देख के कहती है सो बटकी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और इस टाइम में वो कहने लगती है देखो मैं बहुत अमीर हूँ। इतना कहते ही हमारे हिस्टिया और हमारे लोकी के बीच में बहुत जोरों से फाइट होने लगती है। और उस टाइम पे हमारी लोकी को मतलब फ्रेया कहने लगती है तुम्हारी ड्रेस अच्छी है। और तभी लोकी कहती है हाँ तुमने सही कहा और कितने लोग होते हैं बिना कपड़ों के मतलब बहुत ही बेकार कपड़ों के हमारे चले आते हैं। और तभी हिस्टिया कहती है हाँ मैं मानती हूँ लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ें बहुत अच्छी हूँ, असल में तुम्हारे संतरे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं मेरे से। और उस टाइम वो कहने लगती है देखो मेरे जो संतरे हैं कितने बड़े बड़े हैं और आप लोग समझ जाओ। और हमें अगले सीन में दिखा देते हैं वहीं पर ही हमारे जो लोकी होती है वो हमारे हिस्टिया को पकड़ के मारने लगती है। और उस टाइम में आखिर में वो हिस्टिया को नीचे छोड़ देती है। और तभी हमारा हिस्टिया कहने लगती है मैं याद रखूंगी और हाँ तुम अगली बार अपने वो छोटे संतरे को लेके मत आना मेरी तरह बड़े बड़े होने चाहिए। ये बात को सुन के लोकी कहती है मैं बदला जरूर लूंगी। और अगले सीन में उसके पीछे और एक गॉडेस चली आती है और कहती है हिस्टिया तुम यहाँ पर। और तभी इस गॉडेस का नाम है हेपारिस्टर्स। और तभी हमारी हिस्टिया कहने लगती है मैं अभी तुमको ढूंढने वाली थी। और तभी हेपारिस्टर्स कहने लगती है क्यों मैं तुम्हें और उधारे में पैसे नहीं दे सकती क्योंकि पिछली बार तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा रकम में पैसे लिए थे और उसके बाद से मेरी जो फैमिली थी बहुत साल में सड़क पर चली आई थी इसलिए मैं अभी तुम्हें और पैसे नहीं दूंगी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तभी हंसते कहते तुम चिंता मत करो अभी हम लोग दो हैं मतलब मैं और मेरा एक फैमिली मेम्बर
और वो असल में उसका नाम है बेल। और तभी हमें अगले समय दिखाया जाता है हमारे फ्रेया के पास एक आदमी आता है और कहने लगते है गॉडेस हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। फ्रेया कहती है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा नहीं तो यहाँ के जो लोग है मुझे बहुत ही ठरकी नजर से देख रहे हैं। और तभी वहाँ के जो लोग होते हैं इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ सभी जो लोग होते हैं वहाँ जाने लगते हैं। उसके साथ ही फ्रेया जो होते हैं वो भी वहाँ जाने लगती हैं। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर ही हेपारिस्टर्स कहती है तो तुम मुझसे क्या बात करने वाली थी। और तभी हंसते कहती है तो ठीक है मैं अभी वो बात तुम्हें बताने वाली हूँ। और हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर बेल का सीन। उसके सामने गॉड होता है इसका नाम होता है मैट्स। और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बेल उससे पूछने लगता है सो क्या आपको लॉर्ड गणेशा ने पार्टी में इन्वाइट नहीं किया था। और तभी मैच कहने लगते हैं ऐसी बात नहीं है असल में मेरा जो परिवार है बहुत छोटा है इसलिए मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। और वो कहते हैं बेल तुम बहुत अच्छे कर रहे हो इसलिए तुम ये दो पोषण रख सकते हो। और तभी हमारे बेल इस चीज़ को देख के कहता है नहीं नहीं मुझे माफ़ करना है तो आपका है मैं इसको नहीं रख सकता। और तभी वो कहने लगता है कोई बात नहीं तुम इसे ले लो मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ। और तभी बेल कहने लगता है आपका शुक्रिया मैं इस चीज़ को नहीं भूलूंगा। और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है वहीं पर मैच करने लगते तो ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ अपने ख्याल रखना बेटे। और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है वहीं पर ही हमारी गॉडेस हेस्ती है परिस्ट्रेस के आगे एक चीज़ मिनती कर रही थी और वो कहने लगते हैं प्लीज़ मेरे लिए एक शॉर्ट बना दो असल में मेरे जो परिवार का जो मेम्बर है वो असल में एक शॉर्ट जाता है लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो मेरे लिए एक शॉर्ट बना सकती हो मैं तुम्हें बाद में पैसे जरूर दे दूंगी। और तभी परिस्ट्रेस कहने लगती तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक शॉर्ट बनाती हूँ क्योंकि तुम बदलने की कोशिश कर रही हो। और वो कहते तो ठीक है मैं तुम्हारे जरूर एक अच्छा सा शॉट बना के दूंगी। और तभी इस बात को सुन के हमारी हस्तियाँ होती है वो लिटरली बहुत खुश हो जाती है। और तभी हमें दिखाते हैं परिस्ट्रेस कहने लगती है मुझे अपने हाथों से उस शॉट को बनाना पड़ेगा। और तभी इस बात को सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और हस्तियाँ कहने लगती है सो ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी परिस्ट्रेस कहने लगती है क्योंकि मैं अपने फैमिली मेम्बर का कोई भी हथियार तुम्हें नहीं दे सकती। और तभी वो कहने लगती ये तो ऑसम है क्योंकि तुम जब स्वर्ग में थी तुम सबके लिए हथियार बनाती थी। और तभी परिस्ट्रेस कहने लगती है हाँ लेकिन मेरे पास अभी इतना ज़्यादा पावर नहीं है। और तभी इस बात को सुन के ही हमारे जो हस्ती आती है वो हंसने लगती है और कहती है कोई बात नहीं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बेल कहीं पर जा रहा होता है और उसके साथ ही उसके पीछे की लड़की बुलाती है और कहती है सफेद बाल वाले इधर आओ। और तभी हमें दिखाया जाता है बहुत दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लड़की कहने लगती है असल में जो फ्लोरा है वो अपने मनी पर्स को यहाँ पर छोड़ के चली गई थी तो क्या तुम उसको दे सकते हो। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आई थी और वो कहती है यहाँ पर क्या हरा है और इस लड़की का नाम है रियू। और वो डेमियन कहने लगती है हाँ मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है। और तभी रियू कहने लगती है तो आप प्लीज इस मनी पर्स को फ्लोरा को दे देना। और तभी हॉन मेन कैरेक्टर बेल कहता है ठीक है मैं इस काम को जरूर करूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही वो पूछने लगता है असल में जो फ्लोरा है वो कहाँ पर मिलेगी। और तभी रियो कहने लगती है तो मॉन्स्टर विला एक जगह तुम्हें वहाँ पर मिलेगी। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर बेल कहता है तो मॉन्स्टर विला ये कौन सी जगह है। और तभी वो दोनों लड़कियाँ उसको समझाने लगती है असल में मॉन्स्टर विला वो जगह है जहाँ पर एक स्टेडियम से कुछ होता है वहाँ पर एक योद्धा मतलब बहुत ही बहादुर योद्धा उसके सामने एक बहुत ही अजीब तरीके से मॉन्स्टर आते हैं और वो योद्धा उस मॉन्स्टर को अपने ही बल अपने हथियारों से कंट्रोल करेगा। और ये जो गेम होता है वो असल में बुल राइडिंग जैसा एक गेम होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारी हेपारिस्टर्स कहने लगती है सो तुम्हारा जो हथियार वो तैयार हो चुका है। इस बात को सुन के ही हमारी जो हिस्ट्रिया होती है वो लिटरली यार बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है हेपारिस्टर्स तुम्हारा शुक्रिया। और हम अगले सीन में दिखाते हैं हेपारिस्टर्स उसके पेट के ऊपर वो हथियार बांध देते और कहती है ये लो। और तभी हंसते कहने लगते क्या मैं इस हथियार को अभी के अभी बेल को देख के आऊँ। और तभी हमें हेपारिस्टर्स कहने जरूर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो कहती है इस हथियार को मैंने अपने हाथों से और अनुभव से बनाया है इसीलिए इस हथियार को जो भी यूज करेगा वो उसी के बात ही मानेगा और उसी के लिए काम करेगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो असल में देखता है जहाँ पर मॉन्स्टर विला होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और उस टाइम पे हमारी गॉडेस वहाँ पर चली आती है और जिसको देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं आप यहाँ पर। और तभी गॉडेस कहती है हाँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर बेल कहता है मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही वो कहने लगती तो ठीक है चलो मुझे ये बात को सुनकर मुझे खुशी हुई। और जबकि हम मॉन्स्टर विला पे हैं चलो हम लोग एक डेट पे चलते हैं। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं रुकिए असल में मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं उसका पर्स वापस दे सकूँ। और तभी हंसते कहते कोई बात नहीं हम लोग डेट करते समय उसको ढूंढ लेंगे। और हमें अगले सीन में दिखाए थे वो दोनों एक जगह बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं और उसके साथ ही गॉडेस बेल को कहती है ये लो तुम मेरे आइसक्रीम से एक बाइट खा सकते हो। और तभी बेल कहता है नहीं।
और तभी वो कहने लगते हैं, पर क्यों, मैं ही चाहती हूँ। और उस टाइम पे बेलगत है, लेकिन आप गॉडेस हैं, मैं आपसे ये सब नहीं कर सकता। और वो कहने लगता है, तो ठीक है, चाहो तो आप मेरे आइसक्रीम से एक बाइट खा सकते हो। और तभी हमारी जो गॉडेस होती है वो इस चीज़ को सुन के बहुत इंप्रेस हो जाती है और कहती है, तो ठीक है, ठीक रहेगा। और उसके साथ ही उसके आइसक्रीम से एक बाइट खाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उसके मुंह में उसका टुकड़ा लग जाता है। और तभी हाँ मेन कैरेक्टर कहता है, आपके मुंह में वो टुकड़ा लगा है। और तभी वो ज़्यादा शर्माने लगता है और गॉडेस कहती है, तुम इसको निकाल सकते हो। और तभी वो उसके मुंह से वो टुकड़े को निकाल देता है। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं, उस टाइम पे हमें दिखाते हैं एक जगह के अंदर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर होता है और उसके साइड में एक लड़की होती है। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं वहीं पर ही वो दोनों एक जगह पर खाना खा रहे होते हैं। और उस टाइम पे वो बड़ा सा गोरिल्ला ऐसा मॉन्स्टर बाहर निकल के आता है। और तभी वो मॉन्स्टर हाँ मेन कैरेक्टर और हमारे गॉडेस के पीछे पड़ जाते हैं उनको मारने के लिए। और हमें अगले सीन में दिखाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमारे गॉडेस को लेकर के जब चले आता है, लेकिन उस टाइम पे उसके सामने वो मॉन्स्टर चला आता है। और हमें अगले सीन में दिखाता है हमारा बेल कहता है, ये नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा है, लेकिन मैं इसको नहीं हरा सकता। लेकिन वो कहता है, लेकिन जो गॉडेस है वो मुश्किल में है, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। और तभी वो कहता है, नहीं मुझे करना पड़ेगा, मैं एक मर्द हूँ। और उसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने चाकू से हमला करने को आगे बढ़ता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन उस टाइम पे उसका चाकू होता है वो उस मॉन्स्टर से टच होता है वो टूट जाता है। और उस टाइम पे जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे बेल को बहुत दूर फेंक देता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारा मेन कैरेक्टर बेल नोटिस करता है उसके सामने वो मॉन्स्टर होता है। और उस टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर बेल उसके ऊपर एक फ्लैश लाइट फेंकते हुए उस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए अंधा कर लेता है। और वो हमारे गॉडेस को लेके वहाँ से भागने लगता है। और वो कहता है, क्या मैं गॉडेस को यहाँ से ले सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँगी उस मॉन्स्टर को हरा पाऊँ। और तभी वो कहने लगता है, मुझे यहाँ जल्दी से भागना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। और आखिरी में वो गॉडेस को एक पिंजरे से जगह पर बंद कर लेता है और कहता है, असल में गॉडेस मैं आपको थोड़ा समय दूंगा, आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। और तभी गॉडेस कहती है, नहीं तुम मुझे फिर से अकेले छोड़ के जा रहे हो। और तभी बेल कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, आपकी सुरक्षा कर रहा हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया था बेल कहता है, मुझे ये करना पड़ेगा, मैं किसी भी हालत में गॉडेस को मरने नहीं दे सकता। और उस टाइम पे गॉडेस कहने लगती है, बेल रुक जाओ, ऐसा मत करो। और उसके साथ ही गाइस आज का डान माजी सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2 का जो स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड होता है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर हो और ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन रोज लाते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।